श्री कृष्ण कहते हैं कि अवसर मौका मतलब सबका एक ही है। एक समय जो आपको मिलता है कुछ कर गुजरने के लिए, देखा जाए तो जिंदगी भी एक मौका ही है। मौका है जिंदगी को जिंदगी बनाने का, समय उनके लिए नहीं है जो उसके गुजर जाने के बाद हाथ मलते रह जाते हैं। ये सारे शब्द उनके काम के हैं जो समय को पहले ही भांप कर लपकने के लिए तैयार रहते हैं। ये कोई मैनेजमेंट के आधुनिक तरीके नहीं है, शाश्वत है। श्री कृष्ण को मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। मौकों का लाभ और अवसरों पर बाजी अपने पक्ष में कर लेने की कला दुनिया को उन्होंने ही सिखाई है। जिंदगी को दूरदृष्टि से जीने की कला जरूरी है। आप जहां रहें, जैसे रहें, अगर उसमें खुश रहना आ गया तो समझिए आप सफल हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अनमने मन से जी रहे हैं। यही कारण है कि हम सफल तो हैं, लेकिन भीतर अशांति से भरे हैं। दिमाग और शरीर दोनों भारीपन को ढोने के आदि हो चुके हैं। ये सिर्फ परिस्थितिगत है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आजकल 80% लोग तनाव में जी रहे हैं। हमारे पौराणिक नायकों ने इन दबावों और तनावों से निपटने के कारगर उपाय दिए हैं। ये अलग विषय है कि ठीक से सांस न ले पाने वाली जीवन शैली में हम स्वाध्याय से दूर होते जा रहे हैं। वो तरीके भी हमारे सामने नहीं हैं। कृष्ण का जीवन विपरीत परिस्थितियों से जूझते गुजरा। मुश्किलों को टेकल करने का उनका अपना मैनेजमेंट था। मथुरा के कारागृह में जन्म लेते ही गोकुल के लिए भागने से लेकर अंतिम दिनों में यदुकुल के अंतर्कलह तक श्री कृष्ण ने तनाव ही झेला, भागम भाग ही की है। लेकिन हम उन्हें पूछते हैं एक मुस्कुराती हुई तस्वीर में, ये उनका जीवन दर्शन था। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, आप मुस्कुराना ना छोड़े। चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट ही आपको कई समस्याओं के समाधान का रास्ता देती है। अवसर की बात हम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण का मानना था कि हर विपरीत परिस्थिति भी एक अवसर होती है। क्यों हम ऐसी परिस्थितियों के सामने आने से डरते हैं जो हमारे पक्ष की ना लगे? जीवन हमेशा एक लकीर पर नहीं चल सकता। परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। अगर उनमें रहना सीख लिया जाए तो वो भी हमारे लिए हितकर हो सकती है। बस हमें ये तय करना होगा कि हमें उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है। ये समझ लिया तो विपरीत परिस्थिति आपके उत्थान और उत्कर्ष का एक अवसर बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने हम जगह सिर्फ चमत्कार ही दिखाए हैं। अधिकतर अपनी दूरदर्शिता से ही समस्याओं पर विजय पाई, विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया है। कोई भी फैसला हो, अगर वो थोड़ा भी हमारे खिलाफ जाता है तो हम भीतर तक हिल जाते हैं। हम उन परिस्थितियों में जीते हैं, लेकिन उसमें हमारी स्वीकार्यता नहीं होती। नए फैसलों से डरे नहीं, उनको पूरे मन से स्वीकार करें। गोकुल में कृष्ण का परिवार सुखी था। नंद बाबा के घर में रोज कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे थे, लेकिन कंस के भेजे राक्षस रोज नई समस्या खड़ी करते। 5 साल के कृष्ण ने गांव वालों के सामने प्रस्ताव रखा, हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, नई जगह बसना चाहिए। विरोध भी हुआ, लेकिन नंद बाबा ने कृष्ण के मंतव्य को समझा, गोकुल छोड़ वृंदावन आ गए। कृष्ण को गोकुल छोड़ने का दुख था, लेकिन नई संभावनाओं में उनकी उतनी ही आस्था थी। गीता के अनुसार बीता हुआ कल हमें जीवन को समझने का एक अच्छा मौका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। इसलिए हमें हर दिन को बिना कुछ सोचे समझे पूरे दिल से जीना चाहिए। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है। हर व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। इसलिए लोगों के झुंड में चलने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अकेले चलने से नहीं घबराना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, वहीं अगर ये भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है, इसलिए आराम और प्रेम बहुत ज्यादा करने से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति अपनी जीवन बर्बाद कर लेता है। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था लेकिन सुबह उन्हें वनवास मिला, इसलिए समय पर भरोसा रखकर अपने कर्म करते जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इन गुणों के बिना व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। श्री कृष्ण उज्जैन के आश्रम में गुरु सांदीपनी से शिक्षा ले रहे थे। शिक्षा पूरी हुई, गुरु दक्षिणा की बारी आई तो सांदीपनी ने कहा कि उन्हें उनका वो मरा हुआ बेटा चाहिए जिसे एक राक्षस उठाकर ले गया था। प्रभास क्षेत्र से वो राक्षस आया था जहां अभी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। कृष्ण गुरु का आदेश मान प्रभास क्षेत्र पहुँचे, समुद्र में उतर कर उस राक्षस को मारा भी। सांदीपनी का पुत्र तब यमलोक पहुँच चुका था। कृष्ण उसे वापस ले आए। प्रभास क्षेत्र में समुद्र के बीच उन्होंने एक टापू को देख लिया था, जिसे लेकर उन्होंने तभी योजना बना ली थी कि भविष्य में यहाँ सबसे सुरक्षित शहर बसाया जा सकता है। जब जरासंध ने अपने दामाद कंस की हत्या का बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया तो कृष्ण ने मथुरा वासियों को द्वारिका चलने को कहा। कब, किस अवसर पर हमारे सामने कौन सी चीज आ रही है, उसे समझना बहुत जरूरी है। लगभग हर इंसान के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब वो किसी चीज में अपना भविष्य सोच सकता है, लेकिन हम अक्सर वो चूक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं अवसर आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, उनको समझना और लपकना आपके अपने हाथ में है। नरकासुर नाम का एक राक्षस था। कई राजकुमारियों, रानियों और महिलाओं को उसने कैद किया था। सब नरकासुर के अत्याचार से पीड़ित थीं। कृष्ण तक बात पहुंची। नारी सुरक्षा के लिए राक्षस को मार दिया, सबको आजाद कराया। इसके पहले तक कृष्ण को सिर्फ माखन, चोर और गोपियों से छेड़ करने वाला समझा जाता रहा। वो महिलाएं आजाद होने के बाद भी फिर लौट आईं। कारण था उनको अशुद्ध समझकर परिवारों ने अपनाने से इनकार कर दिया। कोई स्वामी नहीं था उनका। कृष्ण ने खुद ही एक कदम बढ़ाया, सभी बेसहारा नारियों को अपना नाम दिया, सबसे विवाह किया, समाज में उनकी खोई प्रतिष्ठा लौटाई। ये एक अवसर था नारी समाज को सम्मान देने का। कृष्ण ने तत्काल इस मौके पर सही निर्णय लिया। ये ही वो 16,000 पटरानियां जिनसे कृष्ण ने विवाह किया, 16,000 महिलाएं जिनके सम्मान के लिए कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया। जिस कृष्ण की छवि दूसरी थी, उन्हें नारी समाज का सबसे बड़ा हितैषी इस एक मौके ने बना दिया। समाज हित के लिए हम सबके सामने कई मौके आते हैं जो हमारी छवि को बदल सकते हैं, लेकिन हम अक्सर सही फैसलों के अभाव में वो खो देते हैं। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है विपरीत परिस्थितियों से निपटने का हुनर, किस समय क्या काम करना बेहतर है, ये आपको पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र का एक प्रसंग है। अभिमन्यु की हत्या के बाद अर्जुन ने जयद्रथ को एक ही दिन में मारने की सौगंध ली। पूरी कौरव सेना उसकी सुरक्षा में थी। दिन ढलने तक जयद्रथ का मारा जाना जरूरी था, वरना सौगंध के मुताबिक अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ता। पांडव जयद्रथ को मारने और कौरव पूरी तरह उसे बचाने में लगे थे, लेकिन कृष्ण के अलावा किसी को ये ध्यान नहीं था कि उस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है। दोपहर में सूर्य छिप गया। अर्जुन आत्मदाह की तैयारी में लगे, लेकिन कृष्ण जानते थे कि दिन ढला नहीं है, सिर्फ सूर्य छिपा है। जयद्रथ खुशी के मारे पागल हुआ और अर्जुन के सामने आ गया। तभी ग्रहण भी समाप्त हुआ, जयद्रथ मारा गया। सूर्य ग्रहण ही एक मौका था जब जयद्रथ को मारा जा सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए कृष्ण अर्जुन के रथ को जैसे तैसे जयद्रथ के इर्द गिर्द रखे रहे। जब भी कोई संकट आए, समय और अवसर खोजें। हम अक्सर उल्टा करते हैं, घबराते हैं, दौड़ भाग करते हैं, गलत समय पर कोशिशें करते हैं। जब समस्या आए, शांति से बैठकर उस अवसर को चिन्हित करें।
जब एक ही प्रयास में उससे बाहर हो सकते हो। बिना योजना की कोशिशें हमें तोड़ देती हैं, जिससे समय आने पर हम पूरी ताकत से कोशिश नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।